हम लोग किस बोर्ड के जरिए समझाएंगे, हम लोग जो चीज करते हैं वो चीज आप लोगों में दिखाएगा इस बोर्ड में। इस बोर्ड के जरिए ना कुछ कुछ चीज आप लोगों को मैं टिप्स देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इस बोर्ड के जरिए आप लोगों में कुछ कुछ चीज इधर से मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड सैंपल किस तरह से लेते हैं, हाउ टू टेक फूड सैंपल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फूड सैंपल, फूड सैंपल किस लिए हम लोग लेते हैं। एक कैटरिंग इंडस्ट्री, जैसे कैटरिंग इंडस्ट्री में, इस कैटरिंग इंडस्ट्री में क्यों फूड सैंपल ले जाता है बाहर में, ये सब क्या है आपका हैज ऑफ प्लान है, हैज ऑफ क्या है आपका हैज ऑफ प्लान है, HACCP का प्लान है, प्लान है। इसका चलते ये पूरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम लालवा थापा। बाहर से जो जितना भी मेरा नॉलेज है, छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा जो भी चीज मैं आप लोग साथ शेयर करता हूँ, कि एकदम छोटा छोटा बेसिक चीज आप लोग साथ मैं शेयर करता हूँ, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस किचन इंडस्ट्री के ज़्यादा किचन से रिलेटिव चीज जो भी चीज़ है हम लोग, हम आप लोग को इस टिप्स देते हैं। एक्चुअली फूड सैंपल, फूड सैंपल किस लिए लिए जाते हैं कैटरिंग इंडस्ट्री में, अधिकतर मैं जिधर रहता हूँ उधर से तो फूड सैंपल ले जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हर सैंपल लेने का जब रखते हैं, जब सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम लगता है। इसका फूड सैंपल लेने का मतलब होता है कि जो आप कोई भी गेस्ट या कोई भी कस्टमर है ना, कस्टमर है ना, उस रेस्टोरेंट में या तो कैटरिंग इंडस्ट्री में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको क्या बीमार होना नहीं चाहिए, ठीक है, बीमार होना नहीं चाहिए। तो कौन कौन चीज आपको ख्याल रखना पड़ता है कि इसका भी एक टाइमिंग है, एक टाइमिंग है। अभी मान के चलिए एक फूड सैंपल लिए, फूड सैंपल लिए, लेने के बाद क्या आपको कि इसका 96 तीन दिन बोलता है, 72 आवर्स इसका टाइम रहता है। कोई भी आपका गेस्ट या तो ऑडियंस या तो कस्टमर है ना, आपको उस फूड खाना आता है, खाने के बाद क्या होता है कि आपको वो फूड खाकर अनडाइजेस्ट हो गया है ना, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो होने के बाद क्या गेस्ट ने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद क्या कि आपको जब कोई भी इधर का जो जिस कैटरिंग इंडस्ट्री को जो फॉलो करता है, मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करता है, किसी न किसी अंडर में रहता है, ठीक है, गाइडलाइंस लेना पड़ता है। तो वो लोग ने सोचा है कि इस 72 आवर अंदर में वो फूड टेस्ट करने के लिए रखते हैं, ठीक है। टेस्ट करने के बाद उसको क्या है कि टेस्ट कर देते हैं कि इस फूड में, हर फूड का अलग अलग है, हर फूड अलग 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 एक सैंपल में रखते हैं। तो लेने के बाद क्या वो लोग जब चेकिंग आते हैं, चेकिंग आने के बाद क्या कि उस फूड को उठाकर ले जाते हैं लैब में चेक करते हैं। तो इससे उसमें पता चलता है कि इसमें ये बैक्टीरिया था, इसमें ये तो था, ये भी वो था, भी जो भी चीज़ एक्स वाई जेड जो रिलेटिव जो फॉल्ट है वो लोग निकालते हैं, इसका इंटर क्वांटिटी था, इसका इतना क्वांटिटी, जो भी चीज़ है वो लोग फॉल्ट निकालते हैं, लैब में ले जाकर उन लोग आपको डिटेल चेक करते हैं। तो ये क्या फूड सैंपल, हाउ टू टेक फूड सैंपल। फूड जो सैंपल है, जो फूड सैंपल है आपको क्या कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक कैसे लेते हैं ना, आप कैसे लेते हैं। वो लोग जो फूड है जैसे हैंड ग्लव्स लगाते हैं, पूरा फुल्ली जो भी चीज है हैंड ग्लव्स फुल्ली पीपी लगाते हैं, जैसे फुल्ली पीपी लगाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी।
फुली पीपी लगाते है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हेयर नेट लगाते हैं ना, हेयर नेट लगाते हैं, उसके बाद आपको मास्क लगाते हैं। लेने के बाद क्या आपको जो भी एक फूड सैंपल लेने के एक स्पून रहता है, स्पून से उसको टिश्यू मारते हैं ना, फूड टिश्यू मारते हैं, टिश्यू मारने के बाद वो लेने जाते हैं। एक्चुअली फूड किस तरह से लेते हैं, देखिए बैन मैरी है, इस बैन मैरी में फूड पूरा सेटिंग किया हुआ, देखिए ऐसे करके फूड पूरा सेटिंग किया हुआ, बैन मैरी है, दिस इज द बैन मैरी। बैन मैरी में आपको इसको फूड रखा हुआ है, जैसे दाल राइस चावल चिकन नॉन वेज वेजिटेबल जो भी जितने भी आइटम है उसमें सजा कर रखा, जितना भी एक एक टाइम का जो फूड रहता है कैटरिंग इंडस्ट्री में इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद द फूड उसको फूड को वो लोग क्या करते हैं, चम्मच से इसको ले करते, एक पैकेट लिया, दो पैकेट लिया, तीन पैकेट लिया, चार पैकेट, पाँच छः, इस तरह से देखते हैं, इस तरह से उठाते हैं फुली पीपी लगाकर इसको फूड को सैंपल को उठाते हैं। उठाने के बाद क्या उसका जो कवर है, कवर में क्या लिखते हैं, मेंशन किए जाते हैं इस दिन में डेट प्लस जो भी डेट प्लस फूड का नेम मेंशन किया जाता है, एक एक जो कंटेनर में लेके उसको लेके आता है। लेके आने के बाद किधर रखना है, ओके किधर रखना है आपको एक चीज, मान चलिए आपका फूड का जो चिलर है, ओके इस फूड चिलर में आपको इस तरह से रैक रहता होगा, आप भी देखे होंगे रैक इस तरह से रहता है, रैक रहता है, इस चिलर सॉरी फ्रीजर है, ये क्या है फ्रीजर है, इसका जो टेम्परेचर, इस चिलर का टेम्परेचर -18 डिग्री का ऑफ है, या 22 डिग्री तक जाता है, ठीक है, इससे इसका जो बिटवीन के दौरान है ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। तो इसलिए जो फूड रखते हैं कोई 72 आवर रखता है, 72 आवर रखता है, कोई 24 आवर रखता है, लेकिन हेज ऑफ गाइडलाइन के हिसाब से जो फूड सैंपल 24 आवर में इसको रिमूव किया जाता है, एंड द 72 आवर कोई भी रहता है, हम लोग जिधर है 96 आवर रहता है। देखिए इसका जो इस तरह से एक डे बाय डे डालना है, डे बाय डे रिमूव करके निकालना है। तो इस तरह से फूड को हम लोग इस तरह से रखते हैं, एंड आप लोग आई होप आप लोग समझा दें हम लोग किस तरह से फूड सैंपल को किस तरह से रखते हैं, एंड किसको फूड को रखना है, जैसे बॉयल एग को रखना नहीं है, दाल चावल राइस को एवरीडे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है या तो कस्टमर है, बहुत से कस्टमर आप लोग इधर खाने आते हैं, तो इसीलिए बहुत दिन तक रखना बहुत जरूरी है। फूड पॉइजन होगा तो आपको इधर से आपको फूड सैंपल लेकर आपको लैब में टेस्टिंग करने जाते हैं। एक क्या छोटा छोटा चीज़ है, जो भी चीज़ मैं जो बताता हूँ मेरा चैनल में किचन से रिलेटेड है, इज ऑल इज द फूड सेफ्टी, एंड ऑल इज द फूड सेफ्टी, ऑल इज द फूड सेफ्टी। उधर का जो गाइडलाइंस बोलता है कि 24 आवर, ठीक है 24 आवर, कोई बोलता है 72 आवर्स, इस तरह से फूड सैंपल पिक किया जाता है, पिक करने के बाद वो लोग रखते हैं। इसी अंदर में कोई फूड पॉइजनिंग, कोई गेस्ट मान चलिए 15-20-40-50 जो गेस्ट है ऑडियंस है या तो कस्टमर है, उन खाकर आगे अनडाइजेस्ट हो गया तो वो क्या आप उसको लैब में ले जाता है, चेकिंग करने के बाद लैब में से इसको फूड इस तरह से इसमें फूड पॉइजन था, उसके बाद उसको क्या उस फूड को क्या देखते हैं, देखने के बाद डेट एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग क्या है नए सब चीज़ चेक करते हैं, उस आइटम को पूरा A to Z चेक करते हैं, चेक करने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो
ज़्यादा जो फूड इंडस्ट्री का जो लॉ है, लॉ की सब तो लोग एक्शन लिया जाता है, राइस दाल वेजिटेबल नॉन वेज जो भी चीज़ें, इधर से सलाड स्वीट्स जो भी चीज़ें सब लेता है। इस तरह से फूड को सैंपल लिया जाता है एंड रखते हैं, इस तरह से आपको रखते हैं। इधर थोड़ा सा सब चीज मेंशन करना है एंड सब चीज ऐसी तरह से रखना है। रखने के बाद इसका मेन जो रीजन है कि जो फूड पॉइजन हो जाता है ना, फूड पॉइजन होने के बाद ये कैच करने के लिए ये लोग फूड सैंपल रखता है, रखना बहुत जरूरी है डेली। जैसे इधर जो हम लोग रहते हैं लंच ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, थ्री आइटम का इधर फूड सैंपल इसमें रहता है, ये क्या 4 दिन तक रहता है। कोई बोलता है 24 आवर, कोई बोलता है 72 आवर, कोई बोलता है 96 आवर, इस तरह से डिपेंड रहता है, डिपेंड रहता है। रहने के बाद क्या आपको क्या फूड को फिक करते हैं, फिट करने के बाद अलग रखते हैं। इसमें इस चिलर में जब टेम्परेचर उसमें चिलर में रखते हैं ना, तो रखने का इस फूड क्या खराब नहीं होता। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं आप लोग साथ। ये मेरा वीडियो क्लिप था, आप लोग जितना भी मेरा नॉलेज है या जितना भी मेरा वो है जानकारी है, आप लोग साथ इस वीडियो के जरिए मैं शेयर करता हूँ। आपको अच्छा लगे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई आपका ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।